नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमरजीत यादव एक बार फिर एसीआई चैनल में हाजिर हूँ। दोस्तों, काम समय से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने, जो एग्ज़ाम में कितने कम से कम समय में उसको सॉल्व कर लिया जाए। क्योंकि दोस्तों, उस समय हमारे पास कम से कम समय होता है, हम सोचते हैं कौन सी सारी ट्रिक लगाएं जिससे हम उस क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर लें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है, ये दोनों एक साथ उसी काम को करें तो काम कितने घंटों में पूरा हो जाएगा। राम श्याम, राम करता है 8 घंटे में और श्याम करता है उसी काम को 12 घंटे लगाता है। तो दोस्तों, राम ले रहा 8 घंटे। अब दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं और एलसीएम से जो बड़ी संख्या होती है उसी से निकालते हैं एलसीएम। देखिए, एलसीएम की भी 60 ट्रिक है। 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 दूनी 24। अब देखते हुए 24 8 से कट रहा है कि नहीं, यदि कट रहा है तो वह एलसीएम है 8 और 12 का। तो दोस्तों, 8 3 24, 12 दूनी 24। दोस्तों, ये हो गया राम की एक दिन की कार्य क्षमता और दो हो गई श्याम की एक दिन की कार्य क्षमता। अब दोस्तों, इस राम प्लस श्याम बराबर है 3 प्लस 2, बराबर आ गया 5 के। फिर अब हम बराबर, अब दोनों की निकालना है कि कितने दिन में एक साथ मिलकर करेंगे। तो हम इसको जो एलसीएम आया है 24, उसको उससे हम भाग कर देते हैं, बराबर आ जाता है 5 चौक 20 और सही 4/5। इस प्रकार आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, रीता गीता संगीता किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिन में कर लेती हैं, या तीनों एक साथ यही काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। हम दोस्तों ऐसे बना लेते हैं, रीता कर रही 10 दिन में, गीता 12 दिन में और संगीता 15 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी के हम मल्टीपल में गुणा करते जाते हैं, उसके बाद जो छोटी संख्या होती है उससे देखते हैं वो संख्या कट रही है कि नहीं। अगर कट रही है तो वह उसका एलसीएम होता है। 10 से भी नहीं कटेगा 12 से, इसलिए एक दूसरा 15 दूनी 30, 30 10 से भी नहीं कटेगी 12 से, 15 3 45, 45 भी नहीं कटेगा, 15 2 60, 60 दोस्तों 10 से भी कट जाएगा 12 से भी कट जाएगा। हम लिख लेते हैं 60, 10 6 60, 12 5 60, 15 2 60। तो दोस्तों, रीता की एक दिन की कार्य क्षमता, गीता की एक दिन की कार्य क्षमता और संगीता की आ गई। अब दोस्तों, तीनों को हम जोड़ लेते हैं, रीता प्लस गीता प्लस संगीता बराबर 6 प्लस 5 प्लस 4, बराबर आ गए 6 5 11 4 15। तो तीनों की, अगर तीनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो तीनों की कार्य क्षमता कितना होगी एक दिन की, 15। अब टोटल से हमें भाग कर देना है, तो 60/15 अगर 4। तो दोस्तों, तीनों मिलके केवल 4 दिन में यह काम समाप्त कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। दोस्तों, इसमें अब तक अकेले अकेले उनकी कार्य क्षमता देखानी थी, अब इसमें दो मिल के काम कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या 60 है, 60 के मल्टीपल में हम गुणा करते जाएंगे, 60 देखो 36 से कटता नहीं कटता, 45 है तो 60 दूनी 120, 120 कटेगा 36 से नहीं कटेगा, 45 से कट जाएगा लेकिन 36 से नहीं कटेगा, नहीं 45 से भी नहीं कटेगा। तो दोस्तों, अब अगला गुणा करते हैं, 60 3 180, अब देखते हैं 180 कटता है कि नहीं, 3 5 15 17 18, हाँ इससे भी कट जा रहा है। दोस्तों, इस प्रकार इसका जो एलसीएम आएगा वो होगा 180। हम इसको देखते कितनी बार जाए, 36 15
पांच बार जाएगा, तीन बार 16, चार बार जा रहा है। तो दोस्तों अब मैं लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर कार्य क्षमता लिख लेते हैं, 5 + 3 + 4। और देखते हो दोस्तों यहाँ दो ए दो बार है, बी दो बार है, सी दो बार है, तो लिख लेते 2 a + b + c = 5 + 3 = 8 + 4 = 12। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2 = 6 के। दोस्तों हमें c का मान यहाँ निकालना है और a प्लस बी का मान दिया है, a प्लस बी का कार्य क्षमता है 5, यहाँ रख देते हैं 5 + c = 6 के, तो c बराबर आ जाएगी 6 - 5 = 1। तो दोस्तों हमें यहाँ c का मान निकालना है, इसलिए हम जो पूरा जो हमारे यहाँ है 180, इससे हम c से भाग कर देते हैं, तो 180/1 = 180। सी 180 दिन में सी इस काम को 180 दिन में समाप्त कर लेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कम से कम समय में एग्जाम में जब आपके पास कम समय होता है तो आसानी से इस ट्रिक को अपना के आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।